यूपी के बुलंदशहर में इंटर कॉलेज के भीतर क्लासरूम में एक नाबालिग छात्र ने दूसरे छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का कारण क्लासरूम में सीट पर बैठने को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित सूरज भान इंटर कॉलेज में सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब कॉलेज के भीतर क्लासरूम में एक छात्र ने दूसरे छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी और आरोपी मौके से फरार हो गया। कॉलेज में सरेआम गोलीकांड होने से छात्रों में भगदड़ मच गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। वहीं पुलिस ने कॉलेज से कुछ दूरी पर आरोपी छात्र को भी गिरफ्तार कर लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद कर ली। परिजनों का दावा है कि टारजन की हत्या एक साजिश के तहत की गई है। वहीं बड़ा सवाल यह है कि आखिर हत्या आरोपी छात्र पिस्टल लेकर क्लासरूम तक कैसे पहुंचा और हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम कैसे दे डाला। एसएसपी बुलंदशहर का दावा है कि क्लासरूम में कुर्सी पर बैठने को लेकर दोनों छात्रों के बीच एक दिन पहले विवाद हुआ था। इसी के चलते सुबह आरोपी छात्र अपने फौजी चाचा की लाइसेंसी पिस्टल लेकर क्लासरूम में पहुंचा और छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या आरोपी और मृतक छात्र दोनों नाबालिग हैं और मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया गया है कि कल क्लास में बैठने को लेकर दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हुई थी। इसी बात को लेकर के अभियुक्त छात्र सनी जो 14 वर्ष का है, अपने चाचा जो फौज में नौकरी करते हैं, घर आए हैं छुट्टी पे, उनकी लाइसेंसी पिस्टल रिवॉल्वर चुरा के लाया और क्लास में उसने दूसरे छात्र टारजन को गोली मार दी। मौके से ही छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, असलहा बरामद है और घायल छात्र की मृत्यु हो चुकी है। बुलंदशहर से जनमत न्यूज़ के लिए सत्यवीर सिंह की रिपोर्ट।